नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ड्राइंग चैप्टर के स्क्रीन कन्वेयर ड्रायर के बारे में बताऊंगा। क्या होता है स्क्रीन ड्रायर, इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, इसका क्या वर्किंग है, ठीक। और आपको इस टॉपिक के बारे में यूट्यूब में बहुत कम वीडियो मिलेंगे, एक ही दो वीडियो मिलेंगी। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, क्योंकि अक्सर MTO के पेपर में ये पूछा जाता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन ये है कि ये पूरा ड्रायर दो भागों में डिवाइड होता है। एक ये भाग है जहां पर हम आपका वेट मटेरियल ड्राई होता है, ठीक। और एक दूसरा पार्ट ये है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक पार्ट ये है और दूसरा एक पार्ट ये है। फर्स्ट पार्ट में आपकी फीडिंग होती है, मींस आपका जो वेट फीड है उसको लोड किया जाता है, फीड किया जाता है बेल्ट में, वहां पर कंटिन्यू फीडिंग होती रहती है। ये एक ऐसा ड्रायर है जिसमें कंटिन्यूअस ड्राइंग होती है, कंटिन्यूअस, जिसमें क्योंकि आप फीड डालते जा रहे हैं, ड्राइंग होती जा रही है, फीड डाल रहे हैं, ड्राइंग होती जा रही है। तो ऐसा है, फर्स्ट पार्ट में आप फीडिंग करते रहते हैं कंटिन्यूअस, और दूसरे पार्ट में आप ड्राइंग होती रहती है। अब इसमें समझ लेते हैं क्या है। यहां पर एक हॉपर है जिसके द्वारा आपका वेट फीड इंटर करता है, इसमें इसके द्वारा ही, ये एक एक प्रकार का स्क्रूडर होता है, स्क्रूडर मींस होता है कि वो मूव करता है अपनी डायरेक्शन में, तो जिससे इसके जो फीड है ना, ये थोड़ा अलग अलग हो गए, एक जगह ना गिर के थोड़ा दूर दूर गिरते हैं। मींस जैसे कोई आप चीज है, जैसे आप पानी डाल रहे हो जग से, गिलास में, तो एक ही जगह से आप डाल रहे हो, एक उसका एक कोन होता है, उससे डाले तो पूरा गिलास में आ रहा है। अगर आप कहीं उसको सेक करके डालो तो पानी चारों तरफ फैलेगा। तो वही बिल्कुल सिंपल फंडा है इसमें कि ये थोड़ा मूव करता है, जिससे आपका पार्टिकल जो है थोड़ा अलग अलग जगह गिरे, एक जगह बेल्ट में ना गिर के थोड़ा अलग अलग जगह गिरे। तो ये इसलिए इसको थोड़ा ये मूव करता है स्क्रूडर, ठीक। और ये दो व्हील्स लगे होते हैं, ये बेल्ट होती है, इसमें एक बेल्ट लगी होती है, दो व्हील्स में बेल्ट लगी होती है जो अलग अलग डायरेक्शन में घूमते हैं। मीन्स एक डायरेक्शन, लाइक कि ये इस तरफ है तो इसका ये इस तरफ है, कि ये चलता रहता है बेल्ट, ठीक। और दूसरे पार्ट में फैन लगे होते हैं, आपका ये वेट मटेरियल धराया, ये फैन लगे होते हैं, यहां पर तीन फैन लगे हैं। ये फैन का काम ये होता है कि जो मींस ये ऐसे लगे होते हैं कि अंदर का जो भी है आपका मॉइस्चर उसको बाहर खींचना, जो भी आपके अंदर एक एयर है उसको बाहर खींचना, एयर के साथ आपका मॉइस्चर भी आएगा, तो एक प्रकार से वो खींचता है। आप इसमें देखेंगे कि आप, ये तो एक बहुत सिंपल सा डायग्राम मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन इसमें यह होता है कि यहाँ पर ऑटोमेटिक यही एयर मौजूद होती है, कि ये जो इनको चलाने की मोटर होती है ना, मोटर का एक ऐसा स्पेस होता है जहां से एयर इंटर करती है, तो एयर इंटर करती है वहां से, वो फिर वेट मटेरियल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी और इन फैन के द्वारा बाहर भेज जाती है, ठीक। तो ये फैन ऐसे होते हैं, ये ऐसे वर्किंग करते हैं कि अपोजिट लगे रहते हैं, जो जैसे आप पंखा नहीं होता है आपका घर का, फराटा पंखा, तो फराटा पंखा के सामने आप जाएंगे तो आपको हवा लगेगी, लेकिन पीछे आप देखेंगे तो वो पीछे से तो हवा खींच रहा है, तभी तो आपको आगे दे रहा है। तो वैसे ही मेन इनका फैन का वर्किंग काम होता है कि आपका वेट मटेरियल से जो भी एयर है वो मॉइस्चर साथ जो भी है एयर उसको खींचेगा। तो ये तीनों फैन का काम यही होता है कि जो भी इसमें मॉइस्चर है वो खींचेंगे। अब ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग इसका ये है, बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे कैसा क्या फिगर, मैं बहुत ही सिंपल फिगर बनाया हूं। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो पक्का आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले स्क्रूडर के द्वारा हम लोग वेट मटेरियल हम अपना फीड करते हैं, ये फीड अपना फीड करते हैं, मींस डालते हैं, और ये घूमता है तो हमारा जो पार्टिकल्स है, वेट मटेरियल है, वो अलग एक जगह में गिर के अलग अलग जगह थोड़ा गिरता है। ये मूविंग कन्वेयर है जिससे आपका जो वेट मटेरियल है वो आगे मूव करता है, ये मूव करता जा रहा है, मूव करता है। अब एक मोटर के साइड से एक एयर जाने की वो जगह होती है जहां से एयर इंटर करती है, और जो भी यहां से कुछ सिस्टम होता है, यहां से इस साइड का ही एक भाग होता है जहां से आपका एयर भी जा रही है, एयर इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है, यहां से लिख देता हूं मैं, एक अनसैचुरेटेड एयर है जाती है जो इस
अनसैचुरेटेड मटेरियल से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है और फैन के द्वारा ये बाहर भेजी जाती है। इसका वेट इतना वर्किंग इतना ही है और जो भी आपका ड्राई प्रोडक्ट है तो वो यहाँ से बेल्ट के दूसरे साइड व्हील के दूसरे साइड से आपको मिल जाता है। यहाँ से आपका ये ड्राई प्रोडक्ट, ये यहाँ पर ड्राई प्रोडक्ट आपको मिल गया। इसका बहुत ही सिंपल फंडा है और बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, वर्किंग बहुत सिंपल है कि बेल्ट घूम रही है, एक साइड से आप फीड डाल रहे हो, फैन के द्वारा वो मॉइस्चर को रिमूव किया जा रहा है और दूसरे साइड से आपको ड्राई प्रोडक्ट मिल जाता है। ये बहुत ही सिंपल है और इसे कुछ बहुत ही अलग अलग टाइप दिए हुए हैं, कभी आप गूगल में सर्च कीजिए तो आपको इसके दो तीन प्रकार के टाइप मिल जाएंगे कि इसको कैसे और अलग अलग प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो आज ये ड्राइंग चैप्टर का आज यहाँ से ही फिनिश होता है और अब नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमिडिफिकेशन पढ़ेंगे, ह्यूमिडिफिकेशन के जो भी डिफिनेशंस हैं और उसका चार्ट क्या है, ह्यूमिडिटी चार्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज से ये ड्राइंग चैप्टर यहाँ फिनिश होता है और कोई भी आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो ड्राइंग चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लाइक करें।